ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी कोई ऐसा तंत्र, कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि पति को वश में किया जाए, कोई ऐसा तंत्र बताएं, कुछ ऐसा यंत्र बताएं जिससे कि बिगड़ैल पति पर नकेल डाली जा सके। तो बहुत रिसर्च करने पर, बहुत सी बुके टटोलने पर, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ जो कि आज के समय में मिलना दुर्लभ है, ऐसे ग्रंथों से मैंने ये यंत्र लिया है। ये बड़ा ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। इसको करने की विधि इतनी आसान है कि छोटा बच्चा भी कर ले, इसलिए इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो जो भी अपने पति से दुखी है, अपने पति को अपने वश में करना चाहती है, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो बीच में आ गया हो, तो भी इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। जब भी कभी आप कोई अनुष्ठान प्रारंभ करें तो उससे पहले अपने आप को सात्विक रखें। मैं देख रहा हूं कि लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और फिर मुझसे आकर कहते हैं, गुरुजी आपके यंत्र ने काम नहीं किया, आपके मंत्र ने काम नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये सारे व्यसन छोड़ दीजिए। कोई भी मादक पदार्थ जो है, जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये सब बंद कर दीजिए और स्वच्छ हृदय के साथ, अपने स्वच्छ तन के साथ जब आप ये क्रिया करनी शुरू करते हैं तो ये स्वतः ही काम कर जाती हैं। और यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं और फिर इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपको कोई असर नहीं दिखाएगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि अतसत परिश्रम करे जो कोई, अनल प्रकट चंदनते होए, अर्थात कि जो यंत्र या जो मंत्र मैंने दे दिया उसको आप ऐसे समझिए कि आपको भगवान ने आकर ये जो चीजें हैं ये बता दी हैं, इससे ऊपर और कोई चीज नहीं है। जो व्यक्ति मेरे यंत्रों को, मंत्रों को ऐसा समझेगा, क्योंकि ये चीजें मैंने नहीं बनाई हैं, ये सारा कुछ, ये जो ज्ञान है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। और मुझे भी जब मैं कोई ऐसे मंत्र या तंत्र ग्रहण करता हूं तो मुझे इतनी प्रफुल्लता होती, मैं इतना खुश हो जाता हूं कि पूछे मत, कि एक नई चीज मुझे मिली है, एक नया यंत्र मुझे मिला है। तो वो जो भावनाएं हैं, वो जो आप शक्ति महसूस करते हैं वो होना चाहिए, एक उल्लास सा होना चाहिए, एक प्रसन्नता सी होनी चाहिए अंदर कि हाँ आपको कुछ मिला है जो कि बहुमूल्य है। आजकल के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अथक प्रयासों के बाद मैं ये चीज़ें आप तक संभव करा पा रहा हूँ। और विरले ही कोई ऐसा चैनल होगा, विरले ही कोई ऐसा पॉडकास्टर होगा जो आपको ये चीज़ें बताता होगा, जो कि बहुत ही गूढ़ है, आम जनता से कोसों परे हैं। और अभी एक ऑस्ट्रेलिया से मेरी एक नई क्लाइंट थी, वो मुझसे बात कर रही थी मारण के बारे में। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको इनके बारे में कुछ ज्ञान है, कुछ षट कर्मों के बारे में ज्ञान है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहली बार नाम सुना है, और मारण करने चल पड़ी। तो ऐसा कतई ना करें, सबसे पहले तो आपको सीखना होगा कि ये जो यंत्र मंत्र तंत्र हैं ये हैं क्या, कैसे काम करते हैं। और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें, एकदम से यंत्रों तंत्रों में ना पहुंच जाएं, साधनाओं में पहले अपनी शक्तियां जो है अर्जित करें, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू करें। तो आज मैं बता रहा हूं कुछ ऐसी गृहिणियों के लिए जो कि तंत्र मंत्र से बहुत कोसों दूर है, लेकिन फिर भी चाहती हैं कि उनके पति जो हैं वो उनके वश में रहें। तो इस तरह का अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपको यंत्र मिल जाए जो कि आपकी सहायता कर पाए, आपके बिगड़ैल पति को जो रोज़ शराब पी कर आते हैं उनकी इन आदतों को ठीक कर दे, उनको इंसान बना दे, तो उनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ ये यंत्र। ये जो स्क्रीन पर आप यंत्र देख रहे हैं ये बड़ा ही पावरफुल यंत्र है, इसने लाखों के काम बनाए हैं। मैंने जिस जिसको ये यंत्र दिया है इसने अपना काम सटीक किया है।
और एक यही ऐसा यंत्र है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि आपके लिए काम ना करे तो आप समझना कि इसमें आपकी त्रुटि है। यंत्र बिल्कुल सटीक है, अपना काम बिल्कुल अच्छी तरह से करता है, ये टेस्टेड है, मैंने बहुत बार करके देखा है। तो आपको ये करना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूर्व मुखी होकर आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र का निर्माण कुछ इस प्रकार करना है कि आप जब इसका निर्माण करें तो आपको कुछ भी शुद्ध ना रहे, एकदम अपना जो फोकस है वो इस पर लगा दें। पूर्व मुखी होकर कोई उन्यासन बिछा लें, उसके ऊपर बैठकर फिर इस यंत्र का निर्माण करें। इसका निर्माण आपको काम्या सिंदूर से करना है और इसके लिए एक विशेष प्रकार का औषध होती है, एक प्लांट होता है, उसका आपको कांटा लेना है। शमी का पेड़ जिसे कहते हैं, उसका एक कांटा लीजिएगा, उसको काम्या सिंदूर में डुबोकर फिर इस यंत्र का निर्माण कीजिएगा। अब कई लोगों के पास शमी का कांटा नहीं होगा तो आप kaliavidya.com पर जाकर उस कांटे का ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको शमी की कलम भी चाहिए वो भी मिल जाएगी। अगर कांटा ना हो तो आप कलम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या कांटा या फिर उसकी कलम, इनसे आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। यंत्र निर्माण के समय आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके आसपास कोई ना हो, आप अकेले हों और कोई हवादार कमरा हो, कोई जंगल हो, कोई गुफा हो, कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई और आता जाता ना हो। इसके बाद आपको शांत मन से इस यंत्र का निर्माण शुरू करना है। यंत्र का निर्माण करते वक्त आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप जो स्थान चुनेंगे वो स्थान आपकी सफलता में बहुत बड़ा भागीदार होगा। यदि आप कोई नदी तट लेते हैं तो उसमें आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। यदि आप कोई गुफा लेते हैं तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। कोई जंगल लेते हैं जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई ना हो तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि आप अपने कमरे में बैठकर पास में टीवी चल रहा है और फिर इसका निर्माण करते हैं तो ये प्रभु कृपा ही हो सकती है, भगवत कृपा से आपको इसका कुछ असर दिख जाए, वरना इसका असर नहीं होगा। जब भी कभी कोई यंत्र निर्माण करें तो उसमें कुछ शक्तियाँ जो हैं वो प्रविष्ट होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि यंत्र में समाहित हो जाती हैं जब आप इसका निर्माण करते हैं, और वो ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि एकांत में आती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग जो है वो अलग अलग तरह की विचित्र प्रकार की स्मृतियाँ लेकर आता है आपके सामने, कुछ ऐसा गढ़ने लग जाता है जो कि आपकी समझ से परे होता है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ ऐसा घटित होता है जब आप अकेले होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यंत्र निर्माण में अकेलापन बहुत काम करता है। एकांत में रहिए, एकांत में वास कीजिए और फिर देखिए किस तरह से शक्तियां जो हैं वो आपके साथ साथ चलेंगी। इस यंत्र का निर्माण कोई भी सादे कागज़ पे आप कर सकते हैं, भोजपत्र पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर कोई ऐसा ताड़पत्र, जैसे कि आप कोई ताड़ का पेड़ देखा हो आपने, उसमें से उसकी छाल उतार लें, कोई भी पेड़ हो उसकी छाल उतार लें और उस पर ये यंत्र बनाएं। अगर ये संभव ना हो तो आप ताम्रपत्र पर या फिर भोजपत्र पर इसका निर्माण कर सकते हैं। अगर ताम्रपत्र पर आप करेंगे तो आपको काम्या सिंदूर से लोहे की कील से इसको बनाना है, और अगर आप भोजपत्र पर कर रहे हैं तो आपको कांटे से या फिर शमी की कलम से इस यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र निर्माण होने पर दोनों हाथ जोड़कर यंत्रराज से प्रार्थना करें कि हे यंत्रराज, मैं इस वजह से आपका निर्माण कर रही हूँ और मुझे ये चीज़ें चाहिए। अपनी जो भी कामना है, जो भी व्यथा है, वो सारी सुना दें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें और इस यंत्र को
उसी नदी किनारे, उसी जंगल में, उसी जगह पर गाड़ दें, और ये सुनिश्चित करें कि बीच में जहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना, वहाँ पर अपने पति का नाम लिख कर आ जाएं और इस यंत्र को उसी जगह गाड़ दें जहाँ पर आपने इसका निर्माण किया था। तो एक हफ्ते के भीतर भीतर चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो सामने वाला, वो भी भागा भागा दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा। ये मैंने लगभग 10 साल पहले इसका जो है टेस्ट किया था और ये अपने टेस्ट में खरा उतरा था। तो आज जब मैं अपनी पुरानी फाइल्स देख रहा था तो उसमें से ये यंत्र मुझे मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसका वीडियो बना के दूं, और जन कल्याण के लिए ये मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। इसका कतई किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि कुमति के होते हैं, सबका उल्टा ही चाहते हैं। तो जिन पर माँ भगवती की कृपा ना हो वो जो हैं कुमति को प्राप्त होते हैं, मतलब कि सबका उल्टा करने वाले। तो ऐसे लोग कृपा करके मेरे यंत्रों से छेड़छाड़ ना करें। तो अगर कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो कॉल कर सकते हो 999-284-1625 पर। यदि ये यंत्र बना बनाया चाहिए तो आप जा सकते हैं kaliavidya.com पर। धन्यवाद।